नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस है, जिसे लेकर आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में नूतन पुरातन सम्मेलन का, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ पर मुख्य रूप से सीपी सिंह जी उपस्थित हुए और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में कई तरह की जानकारी दी। उनके साथ ही अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और मंत्रीगण। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि आखिर आज 73वां स्थापना दिवस है, इसे लेकर आज ये लोग, इन्होंने क्या कार्यक्रम रखा और किस तरह से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहे हैं दृढ़ निश्चय होकर। सर्वप्रथम परिचय, पहले मैं कुमार दुर्गेस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची विभाग का सहसंयोजक। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज ही के दिन सन 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुआ था, जिसे आज हम 73वें स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों ने प्रांत कार्यालय में झंडोत्तोलन के साथ ही वृक्षारोपण कर, सेकेंड हाफ में नए एवं पुराने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी कार्यकर्ताओं को एवं छात्र छात्राओं को 73वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देती है एवं ढेरों शुभकामना देती है। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक खासियत है कि यहाँ पर ना केवल पुरुष बल्कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाता है, समान हक दिया जाता है कि वो सामान्य तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाए। तो चलिए हम यहाँ पर मौजूद महिला कार्यकर्ता से भी जानते हैं कि आज 73वें स्थापना दिवस पर वो क्या कहेंगी। आपका परिचय? मैं पल्लवी गाड़ी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर मंत्री। आज हमारा 73वां छात्र स्थापना दिवस है, इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और मैं इस छात्र दिवस के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो भी हैं, इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आए, क्योंकि इसमें, इस संगठन में ही ना किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने कहा, यहाँ छात्र छात्राओं को समान अधिकार दिए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे समान सभी को माना जाता है। तो आप भी आएँ और इस विद्यार्थी परिषद में जुड़े और समाज और छात्र हित के लिए आगे आएँ। धन्यवाद। चलिए, अब हम जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, उसकी स्थापना कैसे हुई और इसका मेन मकसद क्या है, ये आज हम जानेंगे। आपका परिचय? प्रेम प्रतीक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभावी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई 9 जुलाई को, और मुख्य उद्देश्य ये रहा कि युवाओं में राष्ट्रवाद की अलख जगाने का हम हमेशा से प्रयास करते आए, ज्ञानशील और एकता। हम लोगों ने युवा को, जो पहले लोग कहते थे कि स्टूडेंट पावर इज इनोसेंस पावर, उस चीज़ को हम लोगों ने खत्म किया और छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, इस एजेंडे को लेकर के हम राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर अग्रेसर हैं। और विद्यार्थी परिषद एक ऐसी पाठशाला है जहाँ लोगों का छात्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, भव्य पे एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पर व्यक्ति का निर्माण होता है, वो सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। तो चलिए, यहाँ मौजूद और कार्यकर्ता से जानते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और आखिर अभव्य की कार्य क्या होती है किसी भी विश्वविद्यालय में, या वो किस तरह से अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम परिचय, नाम रवि अग्रवाल, अभाविप रांची महानगर सहमंत्री। और विद्यार्थी परिषद का मोटो ही है ज्ञानशील एकता। मतलब हम लोग, मैं जब विद्यार्थी परिषद में आया था तो हम लोग कॉलेज कैंपस में जाते हैं, कॉलेज की जो भी त्रुटियां रहती हैं, जो भी परेशानी रहती है जिससे स्टूडेंट फेस नहीं कर पाती है, उनको ये नहीं पता रहता कि हम इस समस्या को कहाँ जाकर रखें, विश्वविद्यालय का समस्या या महाविद्यालय का, वो सारी समस्याओं से हम लोग अवगत होते हैं स्टूडेंट के साथ। और उसके बाद हम लोग एक, मतलब जितनी भी समस्या का आंकलन करके उस समस्या को कहाँ पर सही जगह से रखना है, उस समस्या का क्या समाधान होगा, ये करते हैं। समाज में जब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपदा हो या फिर किसी भी सामाजिक कार्य में, देश को विद्यार्थी परिषद का काम ही है देश को। विद्यार्थी परिषद, आप सभी जानते हैं, स्थापना 1949 में हुई थी और तब से विद्यार्थी परिषद का जो सिद्धांत है, सिद्धांत तो एक ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लेकिन संगठन का स्वरूप में बदलाव हुआ है। बदलाव एक तो हमारे जो मेंबरशिप है बढ़ के 2019-20 में 33,85,000 ऐसे मेंबरशिप हुआ जो अभी तक का हाईएस्ट था। उसके अलावे आप जो बदलाव विद्यार्थी परिषद में देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से अधिक कॉलेज में हमारा अभी यूनिट है। ये एक बहुत जो अखिल भारतीय विस्तार हुआ है। उसी तरह से आप देखेंगे जो आयाम करीब 12 आयाम अभी विद्यार्थी परिषद के हो गए। अभी जैसे मैंने कहा जो कला क्षेत्र में जो आर्ट एंड कल्चर में काम करने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए राष्ट्रीय कला मंच हो गया। उसी तरह हमारे जो विदेशी छात्र आते हैं भारत में पढ़ने करीब 70 देश के छात्र भारत में पढ़ने आते हैं उसके लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट एंड यूथ ऐसे बनाया गया OC करके नाम से बनाया और उसमें बहुत बड़ा विद्यार्थी परिषद का कार्य अभी शुरू हो गया। अभी जो हमारा जो उसकी बैठक के साल में एक बार जो होती है अधिवेशन उसमें करीब 700 से ज़्यादा पूरे विश्व के जो विभिन्न देश के जो विद्यार्थी भारत में पढ़ते हैं वो अभी आते हैं उसमें, चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे अमेरिका का हो कोई ऐसा चाहे ईरान का हो सभी छात्र उसमें आते हैं। उसी तरह हमारे जो मेडिकल के छात्र हैं उसके लिए मेडिविजन, जो कृषि के छात्र हैं उसके लिए एग्रीविजन, फिर हमारा जो बोल सकते हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है IIT है IIM है उसके वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए थिंक इंडिया नाम से प्लेटफॉर्म बनाया गया। और हमारे जो और रुचि रखते हैं जैसे जिनको बोल सकते हैं पर्यावरण में रुचि है उसके लिए स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिनकी सेवा में रुचि है उसके लिए स्टूडेंट फॉर सेवा, ऐसे बहुत सारे आयाम को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकल्प शुरू हुआ 1965 में, छोटा सा प्रकल्प आज उसके 50 वर्ष हो गए हमारे, तो उसका नाम है सील स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग, ऐसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी भारत के नागरिक हैं उनको एक सूत्र में बांधना उनमें एक एकात्मता का बोध आना उसके लिए वो प्रकल्प शुरू हुआ और आज इसका परिणाम हमारे सामने है कि हमारा जो संगठन है कोई ऐसा प्रांत नहीं है कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर हमारा संगठन नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे तो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे नागालैंड हो चाहे मणिपुर हो मिजोरम हो वहाँ पर भी आप चले जाइए, श्रीनगर में भी अभी हमारा कार्यकर्ता हो गया जहाँ पर बहुत मुश्किल है काम करना ऐसे जगह पे। तो हरेक प्रांत में हरेक परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव विद्यार्थी परिषद ने पिछले 73 वर्ष में देखा है, इसकी विशालता विराटता का स्वरूप देखा। हमारा काम कार्य जो है अभी भारतवर्ष में ही है और जो दूसरे देश के छात्र जो यहाँ पढ़ने आते हैं विभिन्न विश्वविद्यालय जैसा मैंने बताया अभी, और वो सबको विद्यार्थी परिषद से जोड़ करके और वो जुड़ते हैं तो उनको क्या भावना उनको दिया जाता है कि आप केवल भारत के नहीं अपने देश के बारे में सोचिए, आप भले ईरान के हो ईरान का देश का कैसा भला उसका सोच, हाँ दूसरे देश में वैसा अभी कोई यूनिट नहीं बना है लेकिन हमारे कार्यकर्ता दूसरे देश में एक्सचेंज हम बोलते हैं हमारा विश्व में, जैसे अभी विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता छात्रों ने बताया भारत में हजारों वर्ष की एक स्वाधीनता मिलने के बाद स्वाधीनता के बाद हजारों वर्ष के भारत का जो गौरवशाली इतिहास है भारत का जो वैश्विक पहचान है जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस चीज़ को आधुनिकता के साथ संस्कृति के साथ और वर्तमान दोष को मुक्त करते हुए युवाओं को एकता के सूत्र में पिरोते हुए कैसे हम काम कर सके, हर भारत में रहने वाले हर युवाओं में भारत प्रथम का ऐसा भाव करे, उनको शिक्षा उनका जीवन के लिए हो मगर उनका जीवन उनके वतन के लिए हो, इस भाव को समर्पित करके काम करने के लिए ऐसे युवाओं की एक फौज को खड़ा करने के लिए विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुआ था और उसको निभाने में हम बखूबी सफल हुए हैं, जिसका आज वैश्विक स्वरूप आज हम सभी को देखने को मिल रहा है। जैसा सर ने बताया कि विश्व भारत का नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा एक छात्र संगठन बनकर के उभरा है, 33,00,000 से ज़्यादा हमारा अपना प्रत्यक्ष मेंबरशिप है, आज हर कटक से अटक तक कन्याकुमारी से लेकर के काश्मीर तक हमारा इकाई है, इस सभी विषयों पर हमारा एक बड़ा
स्वरूप देखने को मिल रहा है। विभिन्न आयामों के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम करने वाले विद्यार्थी और युवाओं के साथ विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। आज ये विद्यार्थी परिषद का ये स्वरूप सामने देखने को मिल रहा है इस 73वें स्थापना दिवस पर। का सदैव से मानना है कि अगर युवाओं को एकता के सूत्र में और उनको देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है तो उनके अंदर की ज्ञान को, उनकी सील करैक्टर को और उनको एकता के सूत्र में बांध कर रखना बहुत जरूरी है। जिस भी देश के युवा और जिस किसी भी व्यक्ति में ज्ञानशील और एकता का ये एक मंत्र है, राष्ट्रीयता का भाव है, वह देश और उस देश के युवा बहुत आगे कर सकते हैं, सकारात्मकता के साथ आगे जा सकते हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत थल के क्षेत्र में हो या फिर जल के क्षेत्र में हो या फिर वायु के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में सकारात्मकता के भाव से बढ़ पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञानशील और एकता जैसा एक मूल मंत्र का बीजारोपण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का एक राष्ट्रवादी संगठन है और यह अपने स्थापना काल से निरंतर छात्रों के बीच ज्ञानशील एकता भरने का काम करता है। न सिर्फ छात्र संगठन के रूप में काम करता है बल्कि छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित करने का। स्वाभाविक रूप से आज स्थापना दिवस है, पूरे देश में स्थापना दिवस मनाई जा रही है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे वक्ती तौर पे ही कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है, याद किया जाता है। नहीं देखिए, वक्ती तौर पर नहीं, आखिर जिस दिन उसका स्थापना दिवस होगा उसी दिन याद किया जाएगा। अभी आप देखेंगे यही बात को विचार पूरे झारखंड के अंदर, न सिर्फ झारखंड बल्कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, चाहे सिद्धुकानू विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों से लेकर विश्वविद्यालय तक वहाँ के छात्र जुड़ाव तो स्वाभाविक रूप से छात्रों का जुड़ाव हो रहा है और यह न सिर्फ राज्य बल्कि देश के लिए शुभ संकेत है। सर, आप भी एटीयूपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो तब से लेके अभी तक में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? नहीं देखिए, जब मैं 1973 में कार्यकर्ता बना और लगभग 77 मैं रहा, छात्र आंदोलन में रहा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहते हुए मैं जेल यात्रा भी की, रांची जेल और हजारीबाग जेल में रहा। उस समय कार्यकर्ताओं की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे यह वट वृक्ष बनता जा रहा है और कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि दोनों में अंतर यही है कि आज यह एक बड़ा संगठन का रूप है।